दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर आपकी सेक्स लाइफ पे क्या असर डालता है। सेक्स करना हमारे लिए फायदेमंद माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेक्स करते समय स्ट्रेसफुल रहने से उसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। खास तौर से अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हो तो आपको सेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना होने पर आपको सेक्स क्यों नहीं करना चाहिए। आमतौर पर सेक्स के दौरान पल्स और हार्ट रेट बढ़ जाती है, और यदि ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही बड़ा हो तो आपके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। इससे पैरालिसिस, एंजाइना और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। स्ट्रेस के चलते आपका ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। जब आप रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी रहता है, इसीलिए समय समय पर आपको अपना ब्लड प्रेशर जांच करते रहना चाहिए। हाई बीपी के दौरान जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है, जिसका सीधा असर आपके हार्ट पे पड़ता है और आपके हार्ट का साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन, इम्पोटेंसी और सेक्सुअल डिजायर्स में कमी आदि। महिलाओं में पेनफुल इंटरकोर्स, सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म तक ना पहुंच पाना और सेक्सुअल डिजायर्स में कमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि सेक्स के दौरान ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे आपके शरीर को एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, और उन कैलोरीज को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, जिससे आपकी हार्ट बीट 150 से 180 तक पहुंच जाती है। हालांकि सेक्स के बाद ये वापस नॉर्मल हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से आप ना सिर्फ मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं, बल्कि सेक्सुअल डिजायर्स में कमी, एंग्जाइटी जैसी समस्याओं से भी घिर जाते हैं, जिससे आपके रिलेशंस खराब होने का डर बना रहता है। हाई ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी मेडिसिंस होती हैं जिनसे नपुंसकता की शिकायत हो सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इन डोज को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उनसे ऐसी मेडिसिंस मांग सकते हैं जिसमें इस तरह की समस्या होने का डर ना हो। अपने मन से या केमिस्ट से पूछकर कोई भी दवाई ना लें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को अपने पति या पत्नी के अलावा और किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बाद अपनी मेडिसिंस एकदम से बंद ना करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि डोज चेंज करनी है या बंद करनी है। अगर आपके मन में किसी बीमारी को लेकर कोई सवाल या शंका है तो हमें ईमेल करके अपना सवाल जरूर पूछें। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके हर सवाल का जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।